राम राम जी सारे। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। बस सांझ का टेम जमानु गर्मी की ओटन है, इसमें एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी मेंस का है नया फरमान जारी हो गया है। इब इन बड़काना भी सारे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा जिनकी मैं कुंडली गाऊंगा, ठीक है। बेचारे बिना बातें चपेट मारे हैं, तो देख लो अब क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है। दो दिन तक बाहर जा रहा था, जैद थोड़ी वीडियो में रुकावट हो रही थी, ऊपर तला रही थी, कोई बिटोड़ा दो रह रही थी, कोई खेत में आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब माफ़ी तो किए भाई, थोड़ा बहुत मारा भी हनन का जिक्र है, कोई थोड़ा बहुत हैंड लिया। तो भाई देखो क्या कुछ मामला है, उससे पहले देखो भाई क्या है। अगर तामना बेरा है किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर टॉप मारना है तो प्रैक्टिस सेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम किसी पर जाके पूछ लो, कोई टॉप पर हो चाहे किसी पर जाके पूछ लो। तो अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पा जाओ, किसी ने चोड़ा भी डाक रहा मेरा जाए पता, किसी ने बोर्ड छेड़ो डाला गया भाई। मेरा ऐप है, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और क्या नाम प्ले स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके ऊपर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं HSSC के, खासकर VLDA का। 80 रुपया के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट, 10 के 10 डल चुके हैं भाई, पहला बताऊँ हूँ। कॉमर्स के 80 रुपया के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ALM के 80 रुपये के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप नंबर जो 5657 है, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल का और जो प्लस टू लेवल का जो ग्रुप है, उसके 120 रुपये के अंदर आपके 30 प्रैक्टिस सेट हैं, वो उपलब्ध करवाए जाने लग रहे हैं। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सर्च करो उड़ो ही पा जाएगा, जो भी लेना चाहो। लेस का प्रैक्टिस सेट की एक अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो ये समझो नहीं आ पा रहा। अगर इन प्रैक्टिस सेट का मान लो VLDA वाले हैं, 100 नंबर का पेपर आओ जो नया पैटर्न उसको पर आधारित है, 70% VLDA रिलेटेड, 10% कंप्यूटर के, 20% हरियाणा जिसके मैथ रीजनिंग सब आओ, तो उस पैटर्न पर आधारित है। अगर इसमें 100 माता समझो 70 के आसपास अगर स्कोर करने लगे तो फाइनल पेपर में भी 70 के आसपास ही स्कोर करोगे, उस हिसाब तक तैयार करेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो ये लगा कि देख सको तो हम इस तरह अच्छी तैयारी हो जाएगी और मतलब बेनिफिट है, कोई मैं घाटा कौन तरह, ठीक है। 70-80 रुपये के रोज तम ये अड़ंग बड़ंग खाई जाओ, बर्गर पिज्जे हफ्ता में 2 बार, एक बार लगा कि काचे काटोगे, ठीक है। देखो के कुछ कौन से बालक आ गए चपेट में, यो जो सीईटी मेंस का पोर्टल है दोबारा रीओपन हो चुके हैं, मैंने आज खोल के देखा था, इसका मैं के सिस्टम मान लगे इसका मैं इबनू सिस्टम आओ मान लो इबता हम भी अगर तारा पोर्टल खोल के देखो है ना, उसका मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ कर डाल के अगर लॉगिन करोगे तो उसका मैं लिखा हुआ भाई क्या आप अपने फॉर्म अपना जो पुराना फॉर्म है उसको एडिट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मतलब आप उसको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। अगर आप उसके ऊपर यस या नो में से जोड़ से के ऊपर भी क्लिक करोगे भाई नहीं भाई मैं नहीं रखना चाहता, ठीक है, तो आपका जो पिछला जो फॉर्म है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका नए सिरे से फॉर्म है ओपन, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आप लोगों ने नया सिरा था फॉर्म भरना है, आगे बात समझ में। तो जी तम नया सिरा था फॉर्म भरोगे, जो कर कई जना का यो गड़बड़ होने लग रही थी, जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट भर दी थी पहला, ठीक है, उनकी DMC एड को नहीं होने लग रही थी क्योंकि उनना पोस्ट ग्रेजुएट ही लग उनकी पूरी को नहीं हुई थी, किसी ने ग्रेजुएशन करा की ग्रेजुएशन उसकी हुई कौन थी, उसकी DMC को नहीं ऐड होने लग रही थी फाइनल सेमेस्टर की। तो इब तम वो जो पिछली बार तो कॉलम फ्रीज हो गया थे, लेकिन इब कल फ्रीज को नहीं, इब कल तम उनती हटा भी इसको, जैसे ग्रेजुएशन अगर किसी की है भाई वो फाइनल इब सेमेस्टर में भी उसके पेपर को नहीं अगर वो हटाना चाहे तो अपना पुराना फॉर्म डिलीट करके दोबारा तब बरसी का है वो ग्रेजुएशन हट जाए। घबराने की कोई जरूरत को नहीं, कई बड़ा घबरावे हैं कहते पुराण तक कदे वो भी ना हो यार, यो जो नया भरा कदे यो भी जानदार हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम से बरस को आप, कोई घबराने की उसकी डरने की बात को नहीं, ठीक है। जिसने भी गलती कर दी वो अपनी सुधार सीखा, साथ के साथ कई जने हैं पूछते जी अपना नाम है, नाम एडिट कर सीखा क्या, डेट ऑफ बर्थ या और वगैरह वगैरह और चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते, जो भी नई चीज़ें जो जैसे ये तो जो आपकी जो परी का फार्म रहता है तो जिद की हैं, ये तो आपकी फ्रीज रहेंगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया वगैरह वगैरह, ये तो तारी जिद के हैं तो नुक्के नू रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे कि जो अभी अभी जो नई बननी थी, लाइक जैसे आपका ग्रेजुएशन ऐड करनी थी किसी को या और कि मैं ऐड करना था, ये चीज़ें एडिट हो सके हैं, ठीक है। साथ के साथ अगर किसी ने कोई पोस्ट प्रीफ्रेंस कोई सी पोस्ट पर नहीं भूल गया हो, मान लो भाई ग्रेजुएशन अलग 40 पोस्ट आई हो, ठीक है, किसी उसने बेरा लग गया भाई मेरा दोस्त का 45 पोस्ट आ रही है, मैं तो 5 बार नहीं भूल गया भाई ऐड कौन कर पाया, तो वो भी अपना एडिट करके पोस्ट ऐड कर सके है, ठीक है। वो ये सेम प्रोसीजर रहा कुछ नहीं है, वो ये सेम टू सेम अपना फार्म खोल लो, उसके बाद अपना वो ग्रेजुएशन जो है वो ऐड करो, नो करो, टिक्के मारो, फोटो अपलोड करो, नो जॉब है तो नो जॉब ग्रेजुएशन की DMC तो ग्रेजुएशन की DMC, साथ में अपना जो योग्य नाम है भाई मैं वो अपना सौ घोषणा पत्र और साथ में फिर अपनी प्रीफ्रेंस भर दो पोस्ट की और उसके बाद अपना एक्नॉलेजमेंट सबमिट करके फॉर्म सबमिट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म 1 के 12 में सबमिट करना है,
मतलब एक बार अगर लॉग इन कर दिया और तारा नू अब मेरी तो फोटो भी तैयार को नहीं, मेरी तो पीडीएफ बना नहीं रह रही है, नू रह रहा है, और तामना करो बीच में छोड़ दिया फार्म, ठीक है, मान लो भाई तामनू सोचे भाई तो साधना भरूँ, अब तो मेरे पे पीडीएफ बनाने में घना टाइम लगा, तो फार्म दोबारा कौन मेरे आ जाए, इस बात ने दिमाग कंप्लीट कर लियो, ठीक है। तो तमना एक ही बार के अंदर फार्म भरना है, या तो अपना लैपटॉप पर भरवा लियो या अपना कंप्यूटर वाला जाके भरवा लिया, कंप्यूटर वाला जो गलती कर दी, ठीक है, इब कल जब कंप्यूटर वाला पिछली बार जो गलती कर दी इब कल जब कंप्यूटर वाला गलती कर दे, कोई सा भी कंप्यूटर वाला हो उसका 14 पोरी वाला लट है यो लगा दियो, इब इसमें 13 पोरी रह चुकी हैं, पहला इसमें 14 पोरी होया कर दी, इब इसमें 13 पोरी रहेगी, ये देखो यो आखिरी में दिखाऊंगा धरती, देखिए डाट सी रहेगी, या एक पोरी है या किसी साग है रगड़ी थी मना नुए किसी का गलत फार्म भर दिया था, किसी बालक का समझाया मना मान्या कौन कंप्यूटर वाला मिला जी, मैं तो नुए भरूँगा, तो यह पूरी देख लो 13 रह गई हैं, तो भाई तम भी थोड़े भाइयों ठीक था फार्म भरो, ठीक है। तो भाई एक तो यह जानकारी धरती देनी थी, इसका मैं है घबराने की जरूरत को नहीं तमना, कई बालकों का सुबह क्यों चढ़ रही हो तुरी को क्यों हो गया, आधे बालक तो नू डर रहे हैं सीईटी का फार्म हो गया कि बिघन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सीईटी का नॉर्मल फार्म है, घबराने की जरूरत को नहीं है, जो नो जॉब ना जॉब यो भी तो सेल्फ टेस्टेड अपलोड करना है तो नो भी को नहीं, मैं बाहर था अपना पटवारी था या किसी और तो साइन करवा के लेने, खुद के साइन मारो और अपलोड मारो, और इसमें के इतना बड़ा लंबा चौड़ा था मैंने जो प्रोग्राम बना रखे, इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है नहीं, एक ही बारी में फार्म भर सको आराम से 10 मिनट के अंदर अंदर, मना भी लोग आगे फार्म भरे हैं एक दो दोस्तों के, ठीक है, 10 मिनट के अंदर फार्म भरिया जा हुआ है, टेंशन ना लो तम, इतना घबराने की इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर को नहीं सुना, इतना आई बनाओगे ना तम इसकी तो तम खुद इसके अंदर फंस दे जाओगे, ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ अपनी तैयारी जारी रखो, जून के अंदर आपका 100% पेपर होगा, 120% पेपर होगा जून के अंदर, ठीक है, अपने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो, जो बच्चा रेगुलर तैयारी करता रहेगा उसी का एग्जाम फटेगा भाई, पहले बताने लग रहा हूँ, जो बच्चे पेपरों का दौरा हम यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कराएं तब ना बेराजू करता हम पेपर का दौरा उछलिया करो नुए हम यूट्यूब वाले भी उछलिया करा पेपर का दौरा मैं भी पढ़ाने लग जी हाँ सारे मास्टर पढ़ाने लग जाए जो आज तक कदम नहीं पढ़ाया करते वो भी पढ़ाऊँगे ठीक है तो अर्धे बालक से हैं मारे हैं ये भी नुए हैं ये ईब कौन पढ़ाएं पेपर का दौरा लाइव क्लास में उतर उतर के आओगे भाई पहले बताने लग रहा जो बच्चा रेगुलर पढ़ने लग रहा सिलेक्शन उससे कितनी लाइव क्लास पढ़े लो कितने डाके मार लियो ठीक है लाइव क्लास वो हम किस लिए लगाया करा वो एक रिवीजन के लिए लगती है भाई मान लो किसी ने रिवीजन मारनी मोटे मोटे एमसीक्यू ऊपर से ना की ठीक है साथ के साथ मान लो भाई किसी ने अपना टेस्ट दे के देखना भाई मना एमसीक्यू आओ कोने अंदर के बेरा कोई नया एमसीक्यू फंस जावे ठीक है वो ऑनलाइन क्लास उन बच्चे खातर हुआ है ना कि उनका खातर जितना कि मैं पढ़े नहीं रखे पूरी साल की मैं पढ़िया को नहीं और उन्होंने सोचा हम 2 दिन में पढ़ की है हम पेपर पार करते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कई जने लिखा करें 25 इंपॉर्टेंट पर्सन टॉप 50 इंपॉर्टेंट पर्सन टॉप 100 इंपॉर्टेंट पर्सन टॉप 200 ऐसा कुछ भी नहीं है हम खुद बनावा है पीडीएफ हम खुद वीडियो बना हमने बेरा है कोई से भी जो से जी करे ना कौन से नू लगाइए थोड़े मुश्किल मुश्किल से पर्सन कोई से या फिर रेंडमली कोई भी 25-50% है लें हर उन्ने का लिख दें टॉप 100% टॉप 50% टॉप 25% ऐसा कोई लंबा चौड़ा को नहीं होता सिस्टम तारा हो या आई बनाने के तरीके हुए हैं बड़का नो तरीको यू तो टॉप 50% है ये ना करे तो देखिए कहते पेपर में सुपड़ा साफ हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है जो भी हर एक टीचर करवाएगा 6% करवाएगा आपको मतलब आपने क्या करना आपने के मतलब है टॉप 25 हो टॉप 50 हो क्या अपना पर्सन रिवाइज करने का मतलब है मेरी वीडियो मेरी देख लो और कोई ऐसा मास्टर उसकी देख लो कोई और पढ़ाओ उसकी देख लो सबकी देखो सब जगह से अपना ज्ञान बटोरो जड़ तक दिख उड़ते प्रसरण बटोर लो तब ना कि चक्कर में पढ़ना है ठीक है भाई ये सूचनाएं तरती देनी थी सर थी राम राम धन्यवाद मन लगा कि पढ़ाई करो लाना ले लो खेजो फटाफट असीम और भाई कई जने हैं मेरा असीम मजाक ना सीरियस ले दिल पर ले लें हैं भाई ऐसा नहीं है सिर्फ जस्ट एक कॉमेडी होती है हंसी मजाक होती है बीच में ठीक है ताकि हल्का फुल्का मनोरंजन हो जाए पूरे दिन की तारीफ थकान हुआ उतर जाए ठीक है कोई दिल पर ना लिया करो भाई किसी ने अगर फिर भी वीडियो में कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए तय दिल से माफ़ी चाहता हूँ लड़ा ले लो खेजो फटाफटी बढ़ता